भारत में कोरोना वायरस महामारी फैलने का कारण तबलीगी जमात से जुड़े लोगों और मौलाना साद को माना जा रहा है, लेकिन ये लोग अकेले नहीं हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं या फिर भारत में कोरोना के फैलने के जिम्मेदार हैं। इन दिनों एक और नाम इन्हीं कारणों की वजह से सुर्खियों में है, जो कि भारत से ताल्लुक भी नहीं रखता, और वो नाम है जालिम मुखिया का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जालिम मुखिया है कौन और ये नाम चर्चा में कैसे आया, तो ये आपको हम बताते हैं। असल में बिहार में कोरोना फैलाने की साजिश नेपाल में रची जा रही है। ये खुफिया जानकारी मिलने के बाद पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी ने सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के एक पत्र का हवाला देते हुए बेतिया और बगहा के पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने सीमा पर चौकसी बरतने का निर्देश दिया था। और जिलाधिकारी द्वारा 7 अप्रैल को बेतिया और बगहा के पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में कहा गया कि नेपाल के जगन्नाथपुर सेरवा का रहने वाला जालिम मुखिया भारत में कोरोना महामारी फैलाने की योजना बना रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि जालिम मुखिया हथियार तस्कर है, वो नेपाल बॉर्डर के रास्ते हथियारों की स्मगलिंग करता है। बताया जाता है कि वो परसा जिले के जगन्नाथपुर का मेयर भी है। जालिम मुखिया खुद तो भले ही राजनीति में है, लेकिन अब भी अपने लोगों से नकली नोट और हथियारों की तस्करी करवाता है। सूत्रों का कहना है कि जालिम मुखिया का नेपाल के एक मंत्री से भी अच्छे रिश्ते हैं, जिसकी आड़ में वो अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता है। न्यूज़ डेस्क।